दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अच्छे से हमारे टॉपिक हमारे कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक समस्या थी, मैथ की वीडियो आपको लगातार समय के अनुसार नहीं मिल रही थी, तो कल से आपकी मैथ की वीडियो लगातार आपको मिला करेगी। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, साथियों को बताएं। और अगर किसी को कोई भी समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें समस्या भेज दें। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी समस्या है तो हमें इस नंबर पर अपनी समस्या फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा रीजनिंग में टॉपिक नया चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर है शब्द संरचना, नया चैप्टर है शब्द संरचना। शब्द संरचना से आप क्या समझते हैं देखिएगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दो क्वेश्चन जैसे भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, या फिर आपसे कह दिया जाएगा कोई एक वर्ड दे करके उसमें से पहले दूसरे तीसरे को चुन करके कोई शब्द बनाइए, या फिर कह दिया जाएगा एक, मान लो एग्जाम्पल के लिए मानता हूं मैं ईट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के मानता हूं मैं ईट। अब इससे कौन कौन सा शब्द बन सकता है, आपको ऑप्शन चार दे दिए जाएंगे। मान लो पहला ऑप्शन है एटी, दूसरा है बीसी, तीसरा है एबी और चौथा है डीई। ठीक है दोस्तों, अब आपके इसके अनुसार कौन से शब्द आपके बन सकते हैं, तो एटी बन सकता है क्योंकि एटी इसमें दोनों में है। अगर मैं ई को देखूं तो सिर्फ ई है, डी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ए को देखूं बी है तो बी ए नहीं है। ऐसे सब क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर में आपका इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है शब्द संरचना, शब्द संरचना। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम जो करेंगे वो करेंगे शब्द बनाया जा सकता है, जो हमारी लाइन है ध्यान रखिए, शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि सिर्फ कितना अंतर मिलेगा क्वेश्चन में, शब्द बनाया जा सकता है और शब्द बनाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, शब्द बनाया नहीं जा सकता, यहां पर आपको क्या मिलेगा, नहीं, क्या मिलेगा, नहीं, सिर्फ इतना अंतर आपको मिलेगा कि शब्द बनाया जा सकता है और शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा क्वेश्चन ये वाले ध्यान से पढ़ने हैं, आपकी इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा लंबी मिलेगी तो आप क्या सोचते हैं लैंग्वेज को छोड़ दे, लेकिन आपको करना क्या है, जो इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट से अंत से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पढ़ना, ताकि आपको आसानी हो, टाइम कम बचे, इसका एक तरीका है टाइम कम बचाने का, तो आप लास्ट से पढ़िए क्वेश्चन, तो आप क्या समझेंगे कि आप अगर नहीं है तो नहीं आप देख लेंगे, अगर बनाया जा सकता है तो बनाया आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्द रेपुटेशन, क्वेश्चन नंबर वन है शब्द आर ई पी यू टी ए टी आई ओ एन, शब्द रेपुटेशन है, एसएससी सीएल 2014 में आया था। पहला इसका जो ऑप्शन है वो है टी यू टी ओ आर, दूसरा जो ऑप्शन है पी ओ एन डी ई आर, तीसरा है आर ई क्यू यू आई आर ई, और चौथा जो आपका ऑप्शन है आर ई टी आई आर ई। आपको ये कोई शब्द दे दिया, ठीक है दोस्तों, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके बाद शब्द बनाया जा सकता है, बस हमें ये वाली लाइन देखनी है, शब्द बनाया जा सकता है। अब देखिएगा हमें जो ऑप्शन है ऑप्शन का अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले ऑप्शन में देखिए पहला टी है, यहां पर भी टी है, उसके बाद यू है, बिल्कुल है, उसके बाद देखिए फिर टी है दोबारा से, है, उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है, इसका मतलब पहला जो हमारा ऑप्शन है वो इस शब्द से बनाया जा सकता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई वर्ड रिपीटेड मिलता है, डबल मिलता है, तो आप देखेंगे क्या टी यहां पर दो बार है, बिल्कुल है, अगर एक बार होता और यहां पर दो बार दे रखा होता तो आप इसको नहीं बना सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि अगर कोई वर्ड दो बार दे रखा है तो आपको देखना है क्या दोनों बार वहां पर है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में या नहीं है। उसके बाद देखिए अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं, अगर मैं वैसे तो शब्द बन गया, अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं, देखिए क्या पी है, बिल्कुल हैगा, ओ है, एन भी है, और क्या नहीं है, डी इसमें नहीं है। अगर डी नहीं है मतलब कोई भी एक अक्षर नहीं है तो आप इस शब्द को नहीं बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इसमें देखिए क्या इसमें क्यों है, नहीं है, ठीक है दोस्तों, और डबल ई भी नहीं है, देखिए डबल ई भी दे रखा है, डबल ई भी नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए यहां भी देखिए डबल ई दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ सिंगल ई है तो ये भी नहीं बन सकता। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारे अक्षर हैं क्या वो क्वेश्चन में है या नहीं है, अगर बनाया जा सकता है तो होने चाहिए, नहीं बनाया जा सकता तो नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, देखिएगा शब्द है चैंपियनशिप, क्वेश्चन नंबर टू, शब्द है COMPANIONSHOP, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है पहला OPEN, दूसरा देखिए OPIUM, तीसरा है OPINION, ओपिनियन, और चौथा है नेशन, नेशन। अब आपको करना क्या है, क्या करना है, शब्द बनाया जा सकता है, शब्द बनाया जा सकता है, इस लाइन पर हमें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, क्या शब्द बनाया जा सकता है। देखिएगा क्या ओ है, बिल्कुल है, पी है, ई, कहीं आपको यहां पर ई नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, कहीं आपको ई नहीं मिलेगा, इसका मतलब इस शब्द से ओपन शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ई नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर टू पे चलते हैं, ओ है, बिल्कुल है, पी हैगा, आई हैगा, यू, यू इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन OPIN मतलब तीनों हैंगे। उसके बाद देखिए क्या डबल आई दे रखा है, अभी एक आई यहां और एक आई यहां, इसके बाद यहां भी आई दे रखा है, इसका मतलब अभी यहां तक ये बन सकता है। उसके बाद देखिए एक ओ और दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बन गया। उसके बाद देखिए एक एन हमने यहां गिन लिया, एक एन और हमारा यहां आ गया, क्या क्वेश्चन में दो एन है, बिल्कुल है, एक गेरा और एक गेरा, इसका मतलब ये ओपिनियन हमारा शब्द बन सकता है, किससे, चैंपियनशिप से, किससे, चैंपियनशिप से ओपिनियन शब्द बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मान लो अगर मैं ऑप्शन देखूं अगला नेशन, तो क्या NATION, देखिएगा NAT नहीं है कहीं भी, तो मतलब अगर टी नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है, देखना होता है कि भाई जो हमारा ऑप्शन में और आंसर में वो शब्द है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है डेडिकेट, क्वेश्चन नंबर थ्री, DECATE, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, मात्र 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे इसको, इसको करने में सिर्फ 10 सेकंड लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, DECITE, दूसरा ऑप्शन है DEMAND, तीसरा है DERIDE, और चौथा है DEDUCE। अब करना क्या है, देखिएगा बहुत जल्दी से, DECI मतलब DECI बिल्कुल है, उसके बाद दूसरा D भी है, उसके बाद E भी है, इसका मतलब ये बन गया, कैसे, देखिएगा DECI मतलब बन गया हमारा यहां तक, उसके बाद एक और D है क्या, बिल्कुल है, उसके बाद एक और E है क्या, बिल्कुल है, मतलब पहला हमारा आंसर सही होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही, ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसकी जो नॉर्मल सी टाइप बना लीजिए, टाइप ही बना लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं उस टाइप में, बस यहां क्या करना है, यहां करना है बनाया नहीं जा सकता। अब इस क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको जो हमारा अक्षर है क्वेश्चन में जो दे रखा होगा,
उसके तीन को तीन जो आंसर है वो इससे मिले होंगे, लेकिन एक अक्षर एक जो आंसर है उसमें ऐसा होगा कि वो वर्ड पिटसन में मतलब क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, शब्द है करेक्टर, सी एच ए आर ए सी टी ई आर, करेक्टर है, इससे क्या करना है, नहीं बनाया जा सकता, बस ये बात ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन देखिए, टी आर ए सी ई आर टैगर, दूसरा है सी एच ए आर टी आर चार्टर, तीसरा है एच ई ए आर टी वाई, और चौथा जो आपका दे रखा है सी आर ए टी। अब आपको इसमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो इस हमारे क्वेश्चन में नहीं है। देखिएगा कैसे, देखिए टी है बिल्कुल है, उसके बाद देखिए आर है, हाँ है, आर के बाद ए है, फिर सी भी हैगा, उसके बाद ई है, और उसके बाद आर है, मतलब ये शब्द हमारा बन सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें आंसर वो बताना है जो हमारा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मतलब ये बन गया तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अगला सी एच ए आर, सी एच ए आर ठीक है दोस्तों, टी ई आर, टी ई आर मतलब ये भी बन गया, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता भाई, जो जो बन सकते हैं वो तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, हमें क्या बताना है, नहीं बन सकता वो बताना है। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, एच ई ए आर टी वाई, अब देखिएगा एच ई ए आर टी और वाई, क्या आ गया यहां पर, वाई आ गया, आपको यहां पर कहीं वाई नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर कहीं वाई नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर तीन हमारा ऐसा है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा शब्द नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, नहीं बन सकता ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऑप्शन नंबर चार की बात करूं तो सी आर ए टी ई, सी आर ए टी ई ये भी बन जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो नंबर तीन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई करेक्टर है, आपको तीन ऑप्शन इसमें ऐसे मिलेंगे जो बन सकते हैं, तीन ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे जो बन सकते हैं, और एक ऑप्शन आपको कैसा मिलेगा जो नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता वो कौन सा है, हार्टी। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी से करिएगा। शब्द है, दूसरा क्वेश्चन है बी एल ई एन डी आई एन जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला बी एल ई एन डी, उसके बाद दूसरा देखिए बी ए एल डी, तीसरा एल ई एन डी, चौथा बी आई एन जी। अब आपको एक ऐसा अक्षर देखना है जो इससे नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, जो नहीं बन सकता, आप देखिए बी एल ई एन डी मतलब बन गया, ऑप्शन तो नहीं हो सकता ये। उसके बाद देखिए बी एल ए डी, बी एल ए इसका मतलब यहां पर ए नहीं है, आपको क्या यहां पर क्वेश्चन में ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा दूसरा, कि बी एल ए डी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर थ्री है ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी आई ओ एन, सब दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, और पहला ऑप्शन है आर ए टी आर ए टी आई ओ एन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है एम आई एन आई एस टी ई आर, उसके बाद तीसरा देखिए एम आई एन डी, चौथा देखिए एस टी ए टी आई ओ एन, एस टी ए टी आई ओ एन। सबसे पहले देखिएगा आर ए टी आई ओ एन, देखिएगा आर है, ए भी है, टी भी है, आई ओ एन मतलब बन गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए एम आई एन आई एस टी आर, एम आई एन आई एस टी और ई है, यहां पर कहीं भी क्वेश्चन में ई नहीं दे रखा,
कहीं भी क्वेश्चन में देखिएगा ई नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक है दोस्तों, ई नहीं है तो मतलब क्या है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि मिनिस्टर शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर शब्द नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगर मैं माइंड की बात करूं तो एम आई एन और डी आपका ये रहा, ये बन जाता, और स्टेशन की बात करूं तो स्टेशन भी बन जाता, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है दोस्तों। और इसी चैप्टर में देखिएगा कुछ हटके क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है दोस्तों, अपनी मेहनत पूरी करते रहिएगा लॉकडाउन में, सभी सुरक्षित रहिएगा। चलते हैं जो अगर नए क्वेश्चन है नया, पहले पढ़ता हूं क्वेश्चन, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए, ठीक है दोस्तों, आपको कोई अक्षर दिए जाएंगे, मान लो ए टी, ठीक है दोस्तों, और सी टी, ऐसा कोई मतलब अक्षर दिए जाएंगे तीन के चार के पांच के, उसके आगे हमें एक ऐसा सिंगल अक्षर लगाना है ताकि उससे अर्थपूर्ण शब्द बन सके, ठीक है दोस्तों, अर्थपूर्ण शब्द बन सके, कहां आपको क्वेश्चन में आगे लगाने को बोल सकता है या क्वेश्चन में पीछे लगाने को बोल सकता है, ठीक है दोस्तों, आपको तीन से चार वर्ड दे दिए जाएंगे और उनके आगे लगा दे या उनके पीछे लगा दे जो अक्षर है और उससे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, सिर्फ क्वेश्चन में इतना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ करना है इतना, एक अक्षर लगाना है। तो देखिएगा पहला जो उसने दे रखा है ई ए टी, दूसरा दे रखा है ओ यू आर, तीसरा है आई एस, चौथा है ए एस और पांचवा है ए टी, ठीक है दोस्तों, ये आपके पांच अक्षर दे दिए। अब करना क्या है कि कौन सा एक ऐसा एकल अक्षर है जो पांचों शब्दों में प्रत्येक में एक ही अक्षर लगाना है, मतलब यहां पर जो खाली स्थान है पहला, यहां पर सिर्फ एक ही अक्षर लगाना है, ठीक है दोस्तों, और अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है आपका पहला एस, दूसरा दे रखा है एच, तीसरा है सी और चौथा है बी, ठीक है दोस्तों, ये आपके एकल अक्षर दे रखे हैं। करना क्या था मैंने बताया भैया, तो एस लगाए, एच लगाए, सी लगाए, बी लगाए, करना क्या है, एस लगा के देखते हैं। अगर मैं यहां एस लगाता हूं, मान लो मैंने यहां एस लगा दिया, एस ई ए टी, एस ओ यू आर, एस आई एस, फिर यहां लगाया मैंने एस और यहां एस, कितने अर्थपूर्ण शब्द बने, एक दो बनता है, ठीक है दोस्तों, सारे नहीं बनेंगे, हमें एक ऐसा एकल अक्षर चाहिए जिससे सारे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए एक अक्षर को लगाने से। तो दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर, दूसरा देखिएगा एच, एच हम लगा के देखते हैं, एच यहां पर क्या लगाते हैं, एच यहां पर भी क्या लगाते हैं, एच यहां भी, एच और यहां भी एच, देखिए क्या बन गया, हीट, आवर, हिज, हैज और है, मतलब सारे ही अर्थपूर्ण शब्द बन गए, क्या करने से, सिर्फ एक एच स्टार्टिंग में लगाने से, सिर्फ एक एच स्टार्टिंग में लगाने से सारे ही अर्थपूर्ण शब्द हमारे बन गए हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है और एक नंबर में आसानी से फंस जाता है, फ्री का नंबर समझिए आप इसको, क्या समझिए, फ्री का नंबर, बस करना कुछ नहीं है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, वो भी बहुत ही थोड़ा, टाइमिंग मात्र 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर आप क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी वोकैब सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए ताकि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, ए एन डी, दूसरा है ए डबल एल, तीसरा है ई ए आर और चौथा है ए आई आर, पांचवा है ई ए टी, ठीक है दोस्तों, ई ए टी, क्या करना है, ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला एच, पहला ऑप्शन देखिए एच, पहला ऑप्शन देखिएगा एच, दूसरा देखिएगा सी, तीसरा एम, चौथा एन, ठीक है दोस्तों, ये आपके दे रखे हैं। अब करना क्या है, एक एक अक्षर लगाना है सिर्फ, देखिएगा अगर यहां पर मैं शुरू में स्टार्टिंग में बोला हमसे, स्टार्टिंग में हमें एक अक्षर लगाना है जिससे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, पहला हम देखते हैं एच, अगर मैं यहां एच लिखता हूं, यहां भी मैंने एच लिखा, यहां भी एच लिखा और यहां भी एच लिखा, यहां भी एच लिखा, देखिए क्या शब्द बनते हैं, हैंड, हॉल, हियर, हेयर और ही, मतलब सारे हमारे अर्थपूर्ण शब्द बन गए, क्या करने से, सिर्फ एक एच यहां पर लगाने से हमारे क्या बन गए, सारे ही अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
आसानी से आप कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा कौन सा अक्षर बताएं, ऐसा एक अक्षर बताएं जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। एक लास्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा क्या, टिल टेबल, टी आई डबल एल टिल, टी ए बी एल ई टेबल, पी आई एल ई और टी ए बी, उसके बाद पी आर आई एन जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, दे रखे हैं पहला ऑप्शन देखिएगा सी, दूसरा बी, तीसरा एस और चौथा एच। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या बताना है, एक ऐसा अक्षर बताना है, अगर मैं सी लगाता हूं यहां पर स्टार्टिंग में लगाने हैं, ठीक है दोस्तों स्टार्टिंग में ही लगाने हैं, अगर मैं सी लगाऊं सिटिल सिटेबिल और सिपाही और सिटैब, ये तो कोई बनेगा नहीं, अगर बी लगाता हूं तो बीटिल एस बीटिल नहीं बनेगा, बीटेबिल नहीं बनेगा, अगर मैं एस लगाता हूं एस देखिएगा एस लगा दिया मैंने यहां सारे में, ठीक है दोस्तों स्टिल बन गया, स्टेबल स्पाइल स्टैब और स्प्रिंग, मतलब सारे हमारे अर्थपूर्ण शब्द बन गए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, या तो इस प्रकार से या फिर जो मैंने बताए थे नहीं बनाया जा सकता और बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका चैप्टर है शब्द संरचना यहां पर पूरी तरह से समाप्त होता है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद।